देखा, आपने देखा महिलाओं के साथ बड़ी छेड़छाड़ हुई और बदतमीजी भी हुई, इस पूरे मामले को आपने कैसे देखा? देखिए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार का मुद्दा कोई नया नहीं है इस देश के अंदर। मौजूदा प्राचीन सरकार रही है, प्राचीन सरकार से लेकर आज मौजूदा सरकारों के राज में, सबके राज में महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन शोषण, उत्पीड़न हुआ है। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है इस देश के अंदर कि योगी सरकार के राज में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट बढ़ता है, उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में नंबर वन पे आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू लूटने का कार्यक्रम सबसे ज़्यादा होता है। कि जितने भी चोर, डकैत, बलात्कारी हैं वो तो सारे भारतीय जनता पार्टी में ही आ गए। तो भैया, उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा नियंत्रण एक्ट लाना जरूरी है। गुंडा नियंत्रण एक्ट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा गुंडों को पकड़ा जाए। और गुंडे पकड़े कहाँ से जाएंगे? सारे गुंडे तो इनकी पार्टी के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी का MLA कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने महिला के साथ बलात्कार करा, वो भारतीय जनता पार्टी से था, आपने सबने देखा जी। कुलदीप सिंह सेंगर को देख लो, चिरमयानंद को देख लो, नित्यानंद को देख लो, राम रहीम को देख लो, आसाराम को देख लो जी। ये तमाम वो बलात्कारियों की लिस्ट है जो बैठ के जेल में रोटी खा रहे हैं मुफ्त की। क्योंकि अगर इस देश के अंदर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी के फंदे पे लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का MLA हो तो बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। अभी हालिय घटना में देखा होगा आपने कि लगातार जो अलकायदा के लोग लखनऊ से या इधर उधर से पकड़े जा रहे हैं, उनको लेकर क्या, किस तरह देख रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब अलकायदा जैसे आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो भैया अलकायदा ही रहेगा। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी बिहार चुनाव में पहुंचेंगे, कभी बंगाल चुनाव में पहुंचेंगे, तो भैया अलकायदा नहीं तो और यहां कौन सा कायदा कानून चलेगा? उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चिड़िया तो फुर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अलकायदा ही घुसेगा जब मुख्यमंत्री यहां से लापता है। मुख्यमंत्री तो जगह जगह चुनावी प्रचार के लिए चले जाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आपको ये याद नहीं है कि जहां जिस बिहार में आप चुनावी प्रचार करके आए थे उस बिहार में आप देख लीजिए पानी भरा पड़ा है। बिहार बाढ़ से त्रस्त है, वहां के लोग दाने दाने रोटी को मोहताज हैं। वहां जाके खाना तो दे दीजिए या बिहार का भी नाम बदल के स्विट्जरलैंड कर देंगे। पता नहीं कौन सी इन्होंने स्मार्ट सिटी बना दी। ये गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी पे खड़े हैं आप, बुर्ज खलीफा मत समझ लीजिएगा इसे। हाँ, बिहार के लोग तो पैदल भी गए थे फिर भी सरकार बना दी वहां जाके। कहाँ गए थे पैदल? पैदल नहीं गए थे, लॉकडाउन में। कहाँ गए थे? अपने घर। तो भैया सरकार सभी को पता है कि कैसे बनी है, नहीं कैसे बनी है। और सरकार जैसे भी बनी है, सरकार है ना, अब तो सरकार का फर्ज है कि जो वहां पर लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, उनकी कमियों को पूरा करा जाए। हिंदू सुरक्षित है, पानी में डूब जाए, पानी में डूब के मर जाए, भूख से मर जाए, हिंदू सुरक्षित है, है ना? अभी आपने देखा मोदी जी और योगी जी, वो मोदी जी ने इतने सारे योगी जी के काम की तारीफ की और इतनी, मतलब मीडिया पर जिसको आप बोलते मीडिया, इतनी सराहना की, उस पूरे काम को लेकर के आप खुश नहीं है? आप एक बात मुझे बताइए, जो रुद्राक्ष हॉल का मोदी जी ने उद्घाटन करा है जी, वो रुद्राक्ष हॉल से बनारस की जनता को, काशी की जनता को क्या फायदा, जरा आप ये बताइए। वो रुद्राक्ष हॉल का किराया लाखों रुपए है, आम जनता के लिए उसमें क्या फायदा है ये बताइए आप। आम जनता क्या उसमें धूप से बचने के लिए गरीब उसमें रुद्राक्ष हॉल में जाके बैठेगा, आप बताइए। तो अभी अभी आपने देखा यूपी में जब प्रधानमंत्री जी गए बनारस के अंदर, उन्होंने तो खुद कहा, योगी जी की तारीफ करी और पूरा का पूरा जो विकास का सारा गिनवाया, सारा आपके सामने कराया उन्होंने। कौन सा विकास गिनवा दिया योगी मोदी जी ने, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कहाँ की तारीफ कर रहे हैं वो योगी जी की। आप ये देख लीजिए, जिस देश के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बच्चों को गिरफ्तार किया जाए, वहां की सरकार, वहां के डेमोक्रेसी का क्या होगा, आप सभी सोच सकते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हर एक व्यक्ति को आजादी है, राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम की। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि जो देश में सरकार के खिलाफ बगावत करता है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, या तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है या उसे उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, तो जब हम गोरों से नहीं डरे तो इन चोरों से क्या डरेंगे। हम तो किस तरह देखते हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है लेकिन उसका प्रचार दिल्ली में हो रहा है, क्या ये प्रचार जरूरी है, इस पे पैसा खर्च करना जरूरी है क्या? देखिए, अगर आपने प्रचार की बात करी तो एक असफल प्रधानमंत्री को सफल दिखाने पर, आपको पता है सफल दिखाने के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा इस देश में किया जाता है, एक सफल प्रधानमंत्री को, एक असफल प्रधानमंत्री को सफल बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बैनर, पोस्टर्स, एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन से लेकर तमाम जगह पर, रोड से लेकर, मेट्रो से लेकर, रेलवे से लेकर, तमाम रोड के फुटपाथ तक जगह जगह एडवर्टाइजमेंट किया रखा है इन्होंने। इतना एडवर्टाइजमेंट इन्होंने किया है कि इतने में तो लाखों करोड़ों लोगों की जान बच जाती, लेकिन ये शर्त, ये इन सरकार का क्या है, इन्हों को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। ये कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी है। सूचना जनहित में जारी, पहले किसी और की बारी, अब आपकी बारी।
लेकिन बारी सबकी आएगी, ये समझ लीजिए आप योगी सरकार के, मोदी सरकार के राज में। ये सबका साथ, सबका सत्यानाश, सबका सर्वनाश करने वाली सरकार है, और ये बात आपको समझनी होगी। और जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की ये बात करते हैं ना, अगर वो जनसंख्या नियंत्रण कानून 1948 के अंदर में, आज मैं कहता हूँ कि नेहरू जो कहते हैं ना नेहरू हर बात के लिए जिम्मेदार हैं, मैं तो कहता हूँ कि नेहरू बिल्कुल जिम्मेदार हैं। अगर नेहरू ने ये दो बच्चों वाला कानून 1948 में ही लागू कर दिया होता तो आज देश की गद्दी पर ना प्रधानमंत्री मोदी बैठे होते, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे होते। वो कैसे? क्योंकि आप ही को पता है कि प्रधानमंत्री कौन से नंबर के भाई हैं और योगी आदित्यनाथ जी कौन से नंबर के, सभी को पता है। बता दीजिए आप। किसको? जनता को। जनता को पता है, आपको भी पता है, लेकिन आप हमसे ही पूछवाना चाहते हैं, हमें भी जेल में बंद करवाना चाहते हैं क्या? आप मुकदमे के हम पे कम चल रहे हैं कि जेल में भी भिजवाना चाह रहे हैं, ये बताइए आप मुझे। 2022 में योगी जी के खिलाफ आप किसको खड़ा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? 2022 में योगी जी के खिलाफ किसी को खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रदेश की पूरी जनता, जिस प्रदेश की पूरी आवाम वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ी हो, वहां पर विपक्षी कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पर तो पूरी आवाम खड़ी है। आप योगी जी के विरोध में किसी को भी खड़ा कर दीजिए, वो जीत जाएगा, ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ से पूर्ण रूप से नाराज है। आमदनी कम, टैक्स ज्यादा, क्या यही था मोदी सरकार का वादा? आप मुझे बताइए, लाखों करोड़ रुपए का इन्होंने टैक्स लगा दिया है, और वो टैक्स से सिर्फ मिलता है नेताओं और मंत्रियों को वेतन भत्ता, बाकी आम जनता को कोई सुविधा नहीं मिलती। अभी आपने चुनाव की बात करी, चुनाव में आपने देखा पिछले बार उनकी फिर भी इतनी ज्यादा सीट आई, आपने देखा जो फिलहाल जो चुनाव हुआ था उसमें, उसको पूरा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक आपने अमिताभ बच्चन का शो सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति जी, ठीक है जी। तो अब ये नया शो जारी हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, कि कौन बनेगा कंगलापति, ठीक है। इसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये, हाँ। कि भारत की सबसे बड़ी परेशानी क्या है, महंगाई, महामारी, चिंता रोजगार या मोदी सरकार? तो आप ये देखिए कि ये कौन बनेगा कंगलापति के तहत पूरे देश को कंगाल कर दिया इन्होंने, पूरे देश को कंगाल बना दिया मोदी जी ने। और मोदी जी ऐसे हैं कि पहले तो वहाँ पर रुद्राक्ष स्टेडियम में खड़े होकर कोरोना पे भाषण देते हैं, लेकिन खुद के चेहरे पे जनाब के पे मास्क नहीं होता। मुख्यमंत्री तो एक बार को लगा भी लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं लगाते। प्रधानमंत्री मोदी जी को फोटो शूट कराने का इतना शौक है, और गृहमंत्री को तो ये भी नहीं पता कि फोटोग्राफर को, कैमरामैन को या पत्रकारों से बात किस तरीके से करी जाती है। ओ, जैसे एक छोटा बच्चा जब आइसक्रीम वाले को नहीं बुलाता, कुल्फी वाले को, ओ ओ ओ व्हाइट टी शर्ट वाले भैया, ओ भैया, ओ भैया, ओ व्हाइट टी शर्ट वाले कैमरा इधर कर, कैमरा, ऐसे ऐसे आइसक्रीम बेचने वाले को बुलाते हैं ना, ऐसे गृहमंत्री जी पत्रकारों को, ये ऐसे लोगों के हाथ में आपने सत्ता दे दी।